यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम बैक अगेन विथ माय अनदर एनालिसिस वीडियो। तो भैया इस वीडियो में देने वाला हूं मैं एक नया रिव्यू, महिंद्रा ट्रियो का पूरा रिव्यू देने वाला हूं, एक इलेक्ट्रिक ई रिक्शा इलेक्ट्रिक रिक्शा का रिव्यू देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और मेरे फेसबुक इंस्टा ट्विटर पेज इस पर जाकर मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये हमारी महिंद्रा ट्रियो, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये वीडियो और इसमें जो है पूरे स्पेसिफिकेशन मैं शो करूँगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो गाइस, जो महिंद्रा है, महिंद्रा ने जो है इसे लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया है, यानी लिथियम आयन बैटरी जो है इस ई रिक्शा में अवेलेबल है, जो कि अभी तक किसी भी इंडियन ई रिक्शा में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ महिंद्रा ट्रियो में अवेलेबल है। ये भी इसकी बहुत एक अच्छी खासियत है। बैटरी जो है इसकी 48 वोल्ट की है और जो बैटरी कैपेसिटी है 3.69 किलो वाट की है। तो ये बहुत ही अच्छी बैटरी है और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि बैटरी में जो है 16 सेल्स जो है अवेलेबल हैं। अगर देखा जाए कि मतलब पूरी बैटरी जो है, आम तौर पे किसी और ई रिक्शा में देखा जाए तो जो है पूरी बैटरी जो है मतलब ख़राब हो जाती है, लेकिन इस ई रिक्शा की एक ख़ास बात ये है कि इसमें सिर्फ एक सेल जो है ख़राब होगा और आपको पूरी बैटरी बदलवाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जो है इसकी जो महिंद्रा जो है अपना ट्रस्ट के साथ भी आपको आ रही वो दे रही है, क्योंकि ये जो है पूरी सर्विसिंग भी इसकी जो है महिंद्रा के सेल्स डिपार्टमेंट के साथ सर्विसिंग डिपार्टमेंट भी जो है इसका सपोर्ट देता है और सर्विसिंग भी इसकी जो है पूरे अवेलेबल रहती है। तो ये ही एक ऐसी ही रिक्शा है जिसकी सर्विसिंग जो है अवेलेबल रहती है और ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं बैटरी की बात कर रहा था, तो इसकी जो है एक साल अगर ख़राब होता है वो भी ये जो है 3 साल की वारंटी के साथ आता है और बैटरी लाइफ जो है इसकी 5 ईयर्स की है। तो महिंद्रा जो है क्या करता है, आपको जो है एक बैटरी वो जो है रिप्लेस करके दे देगा और जो है सही हो जाएगी, वापस से आपकी ई रिक्शा जो है रोड पे चलने लगेगी। तो उसका क्या है, पहले 3 साल तक जो है महिंद्रा करेगा उसको रिप्लेस और बाकी 3 साल के बाद जो है आपको पड़ जाएगी एक सेल 5529 रुपीज़ की, यानी 5,500 की, जो कि बहुत ही कम है अगर हम देखें एक बैटरी को बदलवाने जितना, क्योंकि बैटरी का प्राइस जो है पड़ जाता है आपको पूरा 20,000 से 25,000 तक का। ये बहुत ही ज़्यादा है, इसका 4-5 गुना कम है, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अब बात कर लेते हैं इसके पूरे वर्क की। महिंद्रा ने इसे बहुत ही अच्छा वर्क किया है, क्योंकि ये जो है अगर हम देखें इसका पूरा लुक तो ये हमें कहीं से भी एक ई रिक्शा जैसी नहीं लगती है, क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से बंद है और बाकी ई रिक्शा को देखें तो वो अधिकतर ओपन में रहती हैं, तो हमें फील नहीं आता कि हम एक ऑटो चला रहे हैं। तो इसमें जो है ई रिक्शा के साथ साथ आपको एक ऑटो वाला फील भी आएगा। ये अब बात कर लेते हैं इसके पूरे वर्क की। तो फ्रंट देखते हैं, अब जो है महिंद्रा जो है क्या कर रहा है, अपने ब्लू और वाइट कलर में जो है पूरे ई रिक्शा को लॉन्च करने जा रहा है और ट्रियो जो है उनकी पहली ऐसी ई रिक्शा है जो कि इंडिया की सबसे अच्छी ई रिक्शा मानी जाती है, क्योंकि उनकी बैटरी और लिथियम टेक्नोलॉजी इन्हें और ज़्यादा अच्छी बनाती है। तो ये है हमारा इसके इंडिकेटर्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, और ये जो है मैसिव महिंद्रा लोगो है जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। अब मैं एक और खासियत इस ई रिक्शा की बता देता हूँ। खासियत वो है कि इस ई रिक्शा में जो है प्रेजेंट है दो हेडलैम्प्स, दो लाइट इसमें जो है आगे की तरफ जो है अवेलेबल है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अधिकतर ई रिक्शा में जो है सिर्फ सिंगल हेडलैम्प्स रहता है, सिंगल लाइट रहती है आगे, जिसकी वजह से जो है अच्छे से रात में चलाया नहीं जा सकता ई रिक्शा को और साथ ही साथ बहुत कम लाइट मिलती है। लेकिन इसकी ये खास बात है कि इसमें जो है दोनों लाइट जो है अवेलेबल है और जो है बहुत अच्छी लाइट है। और अब इस लाइट की बात कर रहे हैं तो और ज़्यादा मैं डिटेल में जाता हूँ। इस लाइट की एक खास बात ये है कि अधिकतर ई रिक्शास में ये होता है कि जो मतलब बैटरी जो है, अगर कोई भी होता है ड्राइवर, वो बैटरी जो है लो होती है उसकी, तो वो लाइट्स को जो है कम कर दे रहे, वो बंद कर देते हैं और धीरे धीरे जो है वो ई रिक्शा को चलाते हैं। लेकिन इसमें ये फीचर है ही नहीं। इसमें क्या है, इससे भी बेहतरीन अच्छी चीज़ इसमें अवेलेबल है, ये वो है
कि आपको जो है इसमें हेडलैम्प्स बंद, लाइट बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो है अलग से एक बैटरी महिंद्रा ने आपको प्रोवाइड की है, जो कि ऑटोमेटिकली खुद ही चार्ज करनी पड़ती है, इसको अलग से नहीं ख़रीदना पड़ता। और साथ ही साथ जो है ये जो है हेडलैम्प्स जो है आप रात में भी चला सकते हैं, चाहे आपकी बैटरी जो है डिस्चार्ज ही क्यों ना हो जाए, चाहे वो वाली, क्योंकि इसमें जो है डबल बैटरी अवेलेबल है। ये भी बहुत अच्छा फीचर है इस ई रिक्शा का। अब हम बात करते हैं इसके टायर की। तो जो टायर्स हैं आते हैं सस्पेंशन के साथ, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, और टायर जो है R12 टायर्स हैं, यानी R12 टायर्स यानी 12 इंचेस के जो है टायर, MRF टायर जो है इस ई रिक्शा में अवेलेबल है, जो कि एक और बड़ी बात है और बहुत ही अच्छा फीचर है। अब मैं बात करता हूँ इसकी विंड स्क्रीन की। तो मिरर जो मतलब विंड स्क्रीन की और जो फ्रंट स्क्रीन है उसकी, तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा आपके पास जो है वाइपर आएगा, और साथ ही साथ जो है इस पूरा मिरर है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा मिरर है, जिससे जो है आपके जो देखने की क्वालिटी है वो और ज़्यादा अच्छी होती है, जिससे जो है आपको और इजीली जो है देखने को मिलेगा, पूरा व्यू जो है बहुत अच्छा आएगा। अब मैं और फीचर्स की बात करता हूँ, तो पहले इसकी प्राइस की बात करते हैं। तो ये जो है आपको पड़ जाएगा ऑन रोड प्राइस 2 लाख का तो पड़ ही जाएगा, ये आपको ऑन राइड ऑन रोड प्राइस में 2 लाख का जो है आपको पड़ जाएगा। ये जो है ज़्यादा प्राइस नहीं है, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम सीट्स की बात करें, सीटिंग कैपेसिटी की, तो इसमें जो है फोर लोग जो है पीछे वाली सीट पर बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर बैठ सकता है। तो 4 सीटिंग कैपेसिटी जो है 4 पैसेंजर्स के लिए है, साथ ही साथ एक जो है ड्राइवर के लिए है। तो यहाँ पे जो है ड्राइवर बैठ सकते हैं, यहाँ पे जो है पैसेंजर बैठ सकते हैं। और पूरे साइड की बात करते हैं, तो साइड भी बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा बड़ी मतलब एक ज़्यादा जो होती है ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और इसका जो डबल टोन है वो इसे और ज़्यादा बेहतरीन बनाती है। अब मैं खुद एंटर होके आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है हम रियर की तरफ जाते हैं, रियर व्यू देख लेते हैं इसका। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं रियर व्यू, यहाँ पे भी आपको जो है रियर इंडिकेटर्स जो है आपको मिल जाएंगे, पीछे भी इंडिकेटर्स जो है आपको मिल जाएंगे, और रियर से भी ये जो है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा लुक जो है इसका आ रहा है, और एक बहुत ही बढ़िया लुक जो है दिया है। ये पूरा जो है रियर इंडिकेटर्स जो है देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का स्टिकर लगा है, और यहाँ पे ट्रियो यारी का स्टिकर लगा है, यहाँ पे जो है महिंद्रा लिखा है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसका। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके पूरे जो सीटिंग कैपेसिटी की है, तो ये जो है बहुत ही अच्छे सीट्स हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है अच्छा खासा लेग रूम और हेड रूम दोनों प्रोवाइड किया है महिंद्रा ने। आप देख सकते हैं लेग रूम और हेड रूम दोनों ही इसमें अवेलेबल हैं। यहाँ पे जो है आपको मिल रहा है एक स्पेयर टायर, जैसा कि आप देख सकते हैं स्पेयर टायर भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बैटरी। अब मैं वो बात कर रहा था हेडलैम्प की बैटरी की, तो वो जो है आपको यहीं पे मिलेगा। हेडलैम्प की अलग से जो है बैटरी इन्होंने महिंद्रा ने जो है प्रोवाइड की है, और जो स्पेयर टायर है वो भी MRF का ही है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, आप जैसा कि देख सकते हैं MRF का स्पेयर टायर इसमें अवेलेबल है, और सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। अब इसमें जो है 2 चार्जिंग सॉकेट्स हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। और ये जो है ड्राइवर की सीट है, यहाँ पे आपको मिल रहा है एक हैंड ब्रेक मिल रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। और जो ये जो है टॉप मॉडल है, तो इसमें जो है मैकेनिकल ब्रेक्स जो है मैकेनिकल अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं पूरा। और ये जो है पूरा इसके जो है हैंडल है, आप देख सकते हैं इसका पूरा हैंडल जो है। और यहाँ पे आपको मिल रहा है एक महिंद्रा का लोगो, इसमें भी एक ब्लू टोन वाइट टोन जो है इंटीरियर में भी आपको मिलेंगे। अब और ये भी बड़ी अच्छी बात है, अगर हम देखें पूरा यहाँ पे जो है आपको एक हॉर्न का बटन मिल रहा है, यहाँ पे इंडिकेटर्स का बटन जो है पूरा आपको मिल रहा है। और अगर हम बात करें इधर जो है इंडिकेटर्स का, आपको यहाँ पे भी कंट्रोल मिल रहा है, आप देख सकते हैं इसका पूरा टॉप स्पीड जो है यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे जो है पूरा विंड वाइपर्स का जो है कंट्रोल यहाँ पे मिला है। अभी कार ये ई रिक्शा जो है ओपन नहीं है, इसकी की जो है अनलॉक है, तो इस वजह से जो है आपको शो नहीं हो रहा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरा एक ओपन कर दिया है मैंने, आपको दिखा दूँ मैं वाइपर्स का, आप देख सकते हैं इसके वाइपर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी जो है वाटर नहीं है, इस वजह से वर्क नहीं कर रहे हैं। और इंडिकेटर्स जो है इसमें अवेलेबल हैं,
सो गाइस आप देख सकते हैं इसका जो पूरा, और टॉप स्पीड की बात करें इसकी तो टॉप स्पीड है 24.5 kmph की टॉप स्पीड है। अगर हम बात करें पूरे इंटीरियर में, बैठ के आपको शो कर देता हूँ। अब जो है आप देख सकते हैं कितना वाइड व्यू जो है इसका हमें मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे स्पेस हमें मिल रही है, पूरा सामान रखने के लिए स्पेस मिल रही है। यहाँ पे अपने जो भी मनी जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं अपना। यहाँ पे जो आपको रियर व्यू, आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिल रहा है, यानी ORVM, जिससे जो है आप इजीली बाहर की भी चीज़ें देख सकते हैं, आपको टर्निंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कंट्रोल जो है यहाँ पे गिवन है। एक बहुत ज़्यादा लेग रूम भी आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो जो फीचर्स हैं इसके बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं और ज़्यादा चीज़ों की, तो और ज़्यादा चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके चार्जर उन सब के बारे में। तो आपको जो है पड़ जाएगी 2 लाख की, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और चार्जर जो है आपको अलग से ख़रीदना पड़ता है इसका, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है चार्जिंग में लगा पड़ा है। मैं ओपन कर सकते हैं इसे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसे जो है ज़्यादा महंगा नहीं है, ये सिर्फ 13,000 का है जो कि इसके साथ आपको मिल जाएगी। महिंद्रा का ट्रस्ट आपको इसमें मिल रहा है, तो इसका जो है बहुत बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि महिंद्रा का ट्रस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। क्योंकि अब जो है आपको मिल रहा है यहाँ पे इसकी सर्विसेज भी जो है, आमतौर पे किसी चीज़ की सर्विसेज जो है अवेलेबल नहीं रहती, लेकिन जो है यहाँ पे इसकी सर्विसेज जो है पूरी तरीके से अवेलेबल है, वो भी बहुत अच्छी बात है। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि अब जो है इसकी कितनी कैपेसिटी है। अब मैं फ़ीचर्स की बात करते हैं, तो फीचर्स की बात करने पर आए हैं, तो अब मैं कुछ बता देता हूँ आपको कि आप जो है इसे 2 hours 30 minutes तक बस चार्ज में लगाएंगे तो जो है ये जो है 85 kilometers तक चल जाएगी आराम से। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अगर आप दोपहर में या रात में भी खाने के लिए जाते हैं घर पर, क्योंकि आराम तो करेंगे ही ऑब्वियसली, खाने के बाद आपको आराम चाहिए, तो आप जो है आराम भी कर सकते हैं खाने के बाद, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और खाने के बाद आपको आराम करना है, उसके लिए जो है आप जो है इसे चार्ज में लगा सकते हैं। 2 hours 30 minutes तक जो है चार्ज में लगाएंगे तो ये जो है 85 kilometers जो है चल जाएगी। ये भी बहुत अच्छी बात हुई इसकी। और ये जो है अधिकतर देखा जाए तो बाकी ई रिक्शा जो है एक पूरा या तो रात कब, या तो पूरी रात ले लेते हैं या तो पूरा दिन ले लेते हैं चार्ज होने में। आपके ऊपर है कि आप रात में लगाते हैं तो पूरी रात आपको लगाना पड़ता है चार्ज के लिए, सिर्फ उसे पूरा चलाने के लिए। तो लेकिन इसमें क्या फ़ायदा है आपको मिल रहा कि बस आपको 2 to 3 hours, मतलब 2.5 hours 2.5 घंटे जो है बस चार्ज में लगाना है, और फिर देखिए फिर 85 kilometers तक जो है ये आराम से चल जाएगी। ये भी बहुत अच्छा फीचर है इसका। क्यों अच्छा फीचर है? क्योंकि जो है आपको जो है डे और नाइट दोनों आप इससे जो है ट्रैवल कर सकते हैं। अधिकतर ई रिक्शा जैसा कि आप देख सकते होंगे ये जो है ओपन नहीं है, ये भी एक सेफ्टी का फीचर अच्छा है। क्यों? क्योंकि ओपन ये रिक्शा जो है आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन ये जो है क्लोज है, ये बहुत अच्छी बात है। और स्पेस बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस जो है इसमें अवेलेबल है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अब बात करता हूँ बाकी ई रिक्शा की, तो वो जो है इतनी कंफर्टेबल, इतनी जो है अच्छी नहीं होती हैं। अगर इसका देखा जाए बैटरी लाइफ उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है, 85 kilometers सिर्फ 2.5 hours चार्ज करने के लिए 85 kilometers जो है ये चल जाती है, ये भी बहुत अच्छा फीचर है। गाइस अभी तक मैंने आपको चार्जिंग सॉकेट नहीं दिखाया था, तो मैं आपको चार्ज का सॉकेट दिखा देता हूँ, कहाँ से आपको जो है चार्ज करनी है ई रिक्शा को। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लगाना है अपना चार्जर, जिससे जो है आप जो है अपने ई रिक्शा को जो है चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर हुआ इसका। और चार्जर भी देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा है, और ब्लू कलर का ही चार्जर जो है आपको गिवन है महिंद्रा में, ये भी बहुत अच्छी बात है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इस महिंद्रा ट्रियो की जो पूरी बॉडी वर्क के बारे में। तो मैं बता देता हूँ कि आमतौर पर जो है ई रिक्शा जो है आपको मिलती है पूरी आयरन से बनी हुई, वो जो है एक बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो जो है बारिश में जो है गल जाती है। लेकिन ये जो बनी है, ये बनी है पूरे फाइबर मटीरियल की, फाइबर मटीरियल और साथ ही साथ फायर प्रूफ है। फायर प्रूफ के सोच कर आपको लग रहा होगा कि इसमें आग नहीं लगेगी, नहीं, आग से रिलेटेड कोई बात नहीं है। फायर प्रूफ यानी कि जैसे किसी भी
जैसे ये आग के पास भी खड़ी रही तो इस पर कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस ये जो है हो सकता है थोड़ा सा पिघल जाए या थोड़ा सा इस पर जो है डेंट पड़ जाए, बाकी और कुछ नहीं होगा इसमें। ये बहुत अच्छा फीचर्स है। अब मैं बात करता हूँ इंटीरियर की। तो गाइस आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो है आमतौर पर बड़े सारे ई रिक्शा का जो है ये जो है टूट जाता है, लेकिन इस ई रिक्शा में जो है ये आसानी से नहीं टूटेगा क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा सॉलिड वर्क किया गया है महिंद्रा ने इस पर, तो ये जो है आसानी से टूटने वाला मटेरियल नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं इसके लाइफ टाइम की, लाइफ यूज़ की, तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो है इतनी अच्छी क्वालिटी है इस ई रिक्शा की, ये जो है आराम से अगर कोई अच्छे से भी यूज़ करना चाह रहा हो इसे, तो वो जो है 10 से 10 ईयर्स तक जो है आराम से इसको यूज़ कर सकता है। आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा ई रिक्शा 5 से 4 ईयर्स जो है चलती हैं, लेकिन ये जो है एक ऐसी इंडिया की ई रिक्शा है जो कि चल जाती है आराम से 10 ईयर्स, और ये बहुत ही अच्छी बात है इस ई रिक्शा की। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंस की। तो फाइनेंस में भी जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, महिंद्रा के शोरूम में जो है आपको जो है पूरा फाइनेंस जो है मिल जाएगा, और फाइनेंस जो है इसका होगा 18 मंथ्स तक का। सो गाइस कुछ चीज़ें और बता देते हैं, फाइनेंस की हमने बात कर ली है, अब मैं बात कर लेता हूँ इसके जो है एक और चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी ई रिक्शा के लिए। अब वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें जो है रियर सस्पेंशन जो है अवेलेबल है, और अधिकतर जो है ई रिक्शा में लिविंग सस्पेंशन जो है अवेलेबल रहते हैं, और कभी भी जो है वो अगर स्पीड में भी इसको जो है टर्न किया जाए तो ये आसानी से पलटेगी नहीं, क्योंकि इसमें जो है रियर सस्पेंशन जो है अवेलेबल है, बैक में भी, तो आसानी से नहीं पलटेगी, और अधिकतर ई रिक्शा जो है पलट जाती हैं क्योंकि इसमें जो है सस्पेंशन अवेलेबल है, तो ये जो है आसानी से जो है नहीं पलटेगी। आप जैसा कि देख सकते हैं आसानी से पलटने वाली नहीं है, टायर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, मैं पूरी बॉडी को हिला रहा हूँ तो टायर आप देख सकते हैं बॉडी हिल रही है, लेकिन जो है टायर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। अब थोड़ा सा एक मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी ये बात है, नॉइस लेस है, मतलब आपको ये पता ही नहीं चलेगा इसमें नॉइस है कि नहीं है। ये जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये भी बहुत अच्छी बात है, तो नॉइस लेस है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक है तो पॉल्यूशन लेस भी है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं लाता रहूँगा आप सभी के लिए कुछ नया, और कुछ और भी लाऊँगा अभी कुछ टाइम पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।